हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन कोर्स करेंगे जिसमें फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का पॉपुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी, देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है, 1881, 1891, 901, 1911। तो स्टूडेंट इसमें हुआ था, फर्स्ट संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। नेक्स्ट हम लोग से ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी बढ़ी? सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो स्टूडेंट्स वो आंसर होगा 5 गुनी, दैट मीन्स लास्ट 100 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? यहाँ पे जो स्टेट दिया हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। तो इसके इसमें हम लोग देखेंगे किस राज्य में सबसे राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो है यहाँ पे उड़ीसा। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है और डेंसिटी आएगा स्टूडेंट तो 2011 के अकॉर्डिंग में वो होगा बिहार, और 2001 की जनगणना के अनुसार वो होगा वेस्ट बंगाल। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो राज्य है आपका, भारत की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है जिसका एरिया सबसे कम है? देखिए यहाँ पे छोटा सा एरिया है, आप लोग जानती हैं क्या होगा, सिक्किम। भारत के में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो इस यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अकॉर्डिंग जो है वो है बिहार। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद होगा आपका वेस्ट बंगाल। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेस्ट बंगाल। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का जनसंख्या अधिक पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है स्टूडेंट्स? क्या होगा? आप लोग को पता है सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, वो है बिहार का। नेक्स्ट सेवन नंबर का क्वेश्चंस, 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक मिलता है, तो वो है 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किसका अधिक मिलता है? यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार होगा, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के विशाल जो है समूह, भाषाई समूह है, वो होगा स्टूडेंट्स आप लोग का भारतीय आर्य। कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है, वो स्टूडेंट्स हो जाएगा आप लोग का भारतीय आर्य। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित है? देखिए 2011 के अनुसार जो भारत का जनसंख्या जो अशिक्षित रहा वो परसेंटेज है आप लोग का 25.6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत की आगामी जनसंख्या किस वर्ष होने वाली है? आगामी जनगणना, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंसस ईयर जो जनगणना होती है वो 10 ईयर्स के डिफरेंस में होता है, तो जैसे 2001 में हुआ तो नेक्स्ट जनगणना 2011 में हुआ, तो
तो अभी जो है जनगणना कब होगी, वो 2011 में 10 इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2021। तो अभी होगी, आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है तो वो 2021 में इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में, और यही फैक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चंस में, भारत में सबसे घनी आबादी क्षेत्र उत्तर भारत के मैदान में स्थित है। बिल्कुल सही है, जो भारत कथन सेकंड का क्वेश्चंस नंबर जो है वो है, उत्तर भारत की नदियों में मिट्टी अधिक बहती है और बाढ़ के समय पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी एक परत बिछ जाती है जो अत्यंत उर्वर होती है। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, क ख ग में क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है एसर्शंस क्या है और रीजन सही है, इसलिए इसका आंसर क हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, इसलिए कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए दक्षिण भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। दक्षिण भारत में जनसंख्या घनत्व तो कम है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, बहुत कम के जगह पर क्या होना चाहिए, अधिक है। केरल में जनसंख्या घनत्व 859 है, जो भारत के तीसरे स्थान पर है। ये स्टूडेंट्स क्या है, ये जो है ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका घ, यहाँ पे देखिए ये वाला घ हो जाएगा, तो ये जो है दक्षिण भारत में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, बहुत कम नहीं है, अधिक है, और केरल में जनसंख्या का घनत्व क्या है 859 है, ये भारत के राज्यों में तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर का है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है। विशाल जनसंख्या के बावजूद शिक्षा में समुचित विकास के कारण लोगों का जीवन स्तर अभी बहुत नीचे है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे नगरीय जनसंख्या का बोल रहा है और यहाँ पे जो है शिक्षा से रिलेटेड बोल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर ख हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ख। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोमन की थर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग, देखिए निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हुए हैं क ख ग, उसमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। 2011 के भारत में किन राज्यों में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार 8 करोड़ से अधिक है, कौन सा स्टेट का, तो वो स्टूडेंट्स स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का। फर्स्ट का जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 8 करोड़ से अधिक कौन है, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में किन राज्यों में, सेकंड क्वेश्चन हम लोग थर्ड का देख रहे हैं, निम्नलिखित में किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 800 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, महाराष्ट्र केरला बिहार पंजाब, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स केरला और बिहार में, क्योंकि केरला का हम लोग देखें ना 859 है और बिहार का भी जनसंख्या 1100 कुछ है, तो ये 800 से अबव है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा दूसरा का केरल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन राज्यों में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के 15% से भी कम है, किसका है 15% से भी कम है, जो है उस स्टेट का आप लोग का इसके अकॉर्डिंग में नाम बताना है, बिहार और हिमाचल प्रदेश। नगरीय जनसंख्या के कुल जनसंख्या का 15% से भी कम है, वो है बिहार और हिमाचल प्रदेश। इसका
आंसर दो होगा स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि तीन भी हो सकता है, जो भी उसकी उससे कम होता तो हम लोग उसको टिक करते। चौथा, चौथा का स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से इसका आंसर स्टूडेंट्स चौथा का जो होगा वो आपका पुरुष और स्त्री अनुपात में 1000 में इतना 184 किसका है, वो है केरला का, वन का पुरुष स्त्री अनुपात केरला 1000 में 1618 दूसरा का घ पुरुष स्त्री अनुपात 1000 में 168 स्टूडेंट्स वो किसका होगा, दमन और दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। नेक्स्ट थर्ड का स्त्री अनुपात में जो है 1000 में 1833 है वो है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट पुरुष स्त्री अनुपात 1000 में 1968 का वो है आपका जो है 1968 यदि हम लोग देखते हैं तो वो चौथा का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो चौथा का आपका क कर्नाटका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए, भारत में विशाल जनसंख्या लोगों का जीवन स्तर बढ़ नहीं पाता है, धान उत्पादक राज्यों में बिहार पश्चिम बंगाल की घनी आबादी का कारण यह है कि इन राज्यों में धान की फसल का उत्पादन अधिक होता है, राजधानी की नगरों में जनसंख्या की घनी आबादी का कारण यही है कि घनत्व प्रायः अधिक रहता है, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे नगरों में प्रति वर्ग किलोमीटर क्रमशः 11297 और 9252 करते हैं, औषधियों की सुविधा से मृत्यु दर तो 7.48 तक घट गई परंतु जन्म दर प्राय इसकी 2.5 गुना प्रति हजार बनी हुई, इसमें से कम करना समय की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट जो आंसर है धान का उत्पादन अधिक होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं धान का उत्पादक राज्य बिहार वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए घनी आबादी का कारण यही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का वो हो जाएगा आपका बिहार, क्योंकि धान उत्पादक राज्यों में फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बिहार। भारत की राजधानी प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, वो फिफ्थ का जो है ख 11297 है। देखिए स्टूडेंट्स भारत की राजधानी के प्रति हजार जो है किलोमीटर वो कितने लोग, 11297। भारत में वर्तमान मृत्यु दर कितनी है, तो थर्ड का हो जाएगा, थर्ड का क 7.48। देखिए ये जो है यहाँ पे सेवन, दैट मीन्स यहाँ के जो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिया उसी को हम लोग को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी है, में 121 करोड़ है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा कितनी करोड़ है 2011 के 121 करोड़। 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है,
स्टूडेंट्स वो नगण्य रही है। 1921 में जो वृद्धि जनसंख्या वृद्धि रही है वो क्या रही है, नगण्य रही है। भारत में पहले की अपेक्षा मृत्यु दर बढ़ रही है या घट रही है, स्टूडेंट्स बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। मेडिकल फैसिलिटी ये सभी सब फैसिलिटी होने के कारण मृत्यु दर क्या हो रही है, घटना, दैट मीन्स कम होना। 2011 में भारत में जन्म दर प्रति हज़ार थी, क्या थी, 2011 में प्रति हज़ार जो है कितनी थी, 220.97। नेक्स्ट जो है भारत में नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो भारत में कौन सा भाग में सबसे अधिक घना बसा है, वो है आपका मैदानी या पठारी, जिसमें हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा मैदानी भाग। दक्षिण पठार में सबसे अधिक जनसंख्या, दक्षिण पठार में सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है। स्टूडेंट्स यहाँ का आंसर हो जाएगा सबसे दक्षिण पठार में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। राजस्थान की जनसंख्या से अधिक है, किसकी अधिक है, राजस्थान से, वो है आपका गुजरात से अधिक है। राजस्थान की जनसंख्या गुजरात से अधिक है, दैट मीन्स गुजरात से अधिक है। नेक्स्ट झारखंड की जनसंख्या पंजाब की जनसंख्या से क्या है, झारखंड की जनसंख्या जो है पंजाब की जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि पंजाब में अधिक जनसंख्या है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या नागालैंड से क्या है, अधिक है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या नागालैंड से तो अधिक है स्टूडेंट्स। 2011 की जनसंख्या के भारत में घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, 382 है। जो डेंसिटी है ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 382 है। नेक्स्ट 1951 में भारत में जनसंख्या घनत्व तो कितनी है, तो वो है आपका 117 है 1951 के अकॉर्डिंग। अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या, ये इम्पॉर्टेंट है, वो होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 17 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स डू फास्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं भारत की जनसंख्या समस्त उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है, भारत की जनसंख्या समस्त उत्तरी अमेरिका से अधिक है, सही है या गलत है स्टूडेंट्स, तो सही है। यहाँ पे जो है भारत की जनसंख्या समस्त उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है, सही है। उत्तर भारत की जनसंख्या बांग्लादेश की जनसंख्या से अधिक है जो है वो स्टूडेंट्स, वो भी सही है, ये भी सही है, बांग्लादेश से अधिक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है वो है वृद्धि प्राकृतिक है, ये भी सही है। भारत में जन्मदर बढ़ रही है, ये क्या है, ये गलत है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या होगा, चौथा नंबर का आंसर गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन सही या गलत में जनसंख्या भारत में जन्मदर बढ़ रही है, नहीं घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान, फिफ्थ वाला, राजस्थान में विरल जनसंख्या मिलती है, पंजाब में घनी, राजस्थान में विरल जनसंख्या मिलती है, विरल दैट मीन्स कम क्या, और पंजाब में घनी, तो ये क्या है, फिफ्थ का ये सही है, क्योंकि राजस्थान में कम है जनसंख्या, पंजाब में घनी है। भारत की दो तिहाई जनसंख्या उत्तरी मैदान में मिलती है, वो है सही, सिक्स नंबर का आंसर सही हो जाएगा। सेवन्थ नंबर का स्टूडेंट्स देखते हैं, तमिलनाडु में जनसंख्या घनत्व कर्नाटक से कम है, तो कर्नाटक से कम है, दैट मीन्स गलत, तमिलनाडु कर्नाटक से अधिक है, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा, कर्नाटक से कम है, गलत। महाराष्ट्र, नेक्स्ट महाराष्ट्र में उद्योग प्रधान होने के कारण घना आबादी है, उद्योग प्रधान होने के लिए घना आबादी है, ये तो सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि घनी आबादी है। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व घनत्व अन्य राज्यों से अधिक है, एक जो बिहार है स्टूडेंट्स वो उसी से कम है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व अन्य राज्यों से अधिक है, ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी राज्यों में जनसंख्या का घनत्व दक्षिण राज्यों की अपेक्षा अधिक है,
पूर्वी राज्य पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या का घनत्व दक्षिण राज्यों की अपेक्षा अधिक है? नहीं स्टूडेंट्स, ये तो गलत है। नॉर्थ ईस्ट में तो जनसंख्या क्या है, कम है। जम्मू कश्मीर में जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या अधिक है, ये तो सही है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं। गोवा के 62.17% लोग नगरों में रहते हैं, ये सही है, क्योंकि गोवा में जो लोग हैं वो नगरों में नगर ही है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से डेवलप्ड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो रहा, ये हम लोग का इंडिया चैप्टर्स का पॉपुलेशन का क्वेश्चन आंसर रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइग्रेशन देखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।